खटीमा में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव निर्वाचन को लेकर तहसील प्रशासन लगातार निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नए मतदाताओं को जोड़ने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में प्रशासन ने कई जन जागरण अभियान चलाए। खटीमा तहसील प्रशासन ने जन जागरण अभियान के तहत खटीमा नगर में मशाल जुलूस निकालकर नए मतदाताओं को 2022 निर्वाचन में प्रतिभाग करने के लिए जागरूक किया। इस दौरान SDM निर्मला बिश, तहसीलदार यूसुफ अली, खटीमा कोतवाली के SSI देवेंद्र गौरव के साथ विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल और बच्चों ने रैली में हिस्सा लिया। वर्तमान में 30 नवंबर तक हमारी मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने की कार्रवाई का चल रहा है। नाम जोड़ना, नाम संशोधन करना या फिर जो भी अगर शिफ्ट होना है, उन सब की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है और लोगों को अधिक जागरूक करने के उद्देश्य से अभी ये लोकतंत्र को करने के लिए, नाम जोड़ने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए मजबूत लोकतंत्र रोशन उत्तराखंड की थीम पर आधारित एक मशाल जुलूस निकाला गया पूरे शहर में। और खंड शिक्षा अधिकारी हैं, हमारे तहसीलदार साहब हैं, पुलिस विभाग से हैं, साथ ही साथ हमारे प्रिंसिपल महोदय यहाँ पर जितने भी हैं, हमारे बच्चे हैं स्कूल के, NCC के बच्चे हैं, तो उन सब लोगों की भागीदारी इसमें रही और लोगों को अधिकाधिक प्रेरित भी किया गया है। और अनुरोध भी करना है कि 30 नवंबर तक नाम जोड़ने के लिए अपने जो भी जितने भी अर्ह लोग हैं, 1 जनवरी 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर आप लोग अपने नज़दीकी बूथ में जाइए, अपनी BLO से संपर्क करिए और अपने नाम जोड़िए।